हेलो दोस्तों, आई ऑफ सिंधी पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर्स में, तो आपके सामने दो चार्ट होता होगा। एक होता होगा स्पॉट चार्ट का और दूसरा होता है फ्यूचर का चार्ट। अब देखिए, आप अगर कन्फ्यूज्ड हैं कि स्पॉट चार्ट और फ्यूचर चार्ट के बीच का क्या अंतर है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि स्पॉट चार्ट और फ्यूचर चार्ट में क्या अंतर है और हमें कौन से चार्ट को यूज करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त या फ्यूचर की ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक है, सिंपल बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप अगर हमारे फ्री टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे स्पॉट का चार्ट। ठीक है, स्पॉट चार्ट ये क्या है तो मैं क्लियर बताता हूँ। देखो, इंडेक्स कौन कौन है आपका, बैंक निफ्टी भी है, फिन निफ्टी है, निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ठीक है, उसके बाद सेंसेक्स है। ये सारे इंडेक्स हैं, इसका आपको स्पॉट का एंड फ्यूचर ये दोनों इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, दोनों का चार्ट, दोनों का इंडेक्स मिलेगा, सिंपल है। अब जितने सारे डेरिवेटिव्स में काम करने वाले स्टॉक्स है, जितने सारे जो जिसमें आपको ऑप्शन फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है, कैश मार्केट को छोड़ के डेरिवेटिव्स में काम करने वाले जितने सारे स्टॉक्स है ना, स्टॉक्स, इसमें भी दो चार्ट होगा। एक होगा स्पॉट का चार्ट और दूसरा होगा फ्यूचर का चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको स्पॉट के चार्ट के बारे में समझना है कि स्पॉट के चार्ट होता क्या है और कहाँ पे काम आता है। देखिए, स्पॉट का जो चार्ट है ना, ये हो गया आपका स्पॉट चार्ट का मतलब हो गया कि ये हो गया ओरिजिनल चार्ट। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। निफ्टी चल रहा है 20,160 के ऊपर। ठीक है, ये हुआ आपका ओरिजिनल प्राइस। 20,160 जो है ये है ओरिजिनल, यानी कि स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस। ठीक है, ये आपका स्पॉट प्राइस, स्पॉट चार्ट दोनों एक सेम हो गया। तो ये आपका स्पॉट प्राइस है, इसमें आपको सेम प्राइस दिखेगा, ना कम ना ज़्यादा। जो अभी निफ्टी का प्राइस है या बैंक निफ्टी का, जो फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी स्टॉक्स का जो प्राइस है ना, उस प्राइस के चार्ट पर जो मूवमेंट होती है उसे ही हम लोग स्पॉट का चार्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें कहीं से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्यूचर का जो चार्ट है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। फ्यूचर के चार्ट में आप क्या देखोगे कि जैसे अभी मान लो कि निफ्टी अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, निफ्टी अगर बुलिश है, तो आपका जैसे निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है ये है आपका 20,160 के पास। ठीक है, ये हो गया स्पॉट का चार्ट। लेकिन अगर यहाँ पे आपके फ्यूचर के चार्ट को देखोगे तो फ्यूचर में आप देखोगे तो ये होगा आपका 20,200 के ऊपर, 220 के आसपास। मैं आपको एक बता रहा हूँ, 20,220 के आसपास। तो आप कहोगे कि फ्यूचर का जो चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट स्पॉट के चार्ट से आगे क्यों होता है और इसका कहाँ पे काम है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो, बैंक निफ्टी के इंडेक्स के फ्यूचर्स में, फिर निफ्टी के इंडेक्स के फ्यूचर में, निफ्टी के इंडेक्स के फ्यूचर में, अगर इंडेक्स के फ्यूचर को सीधा बाय कर रहे हो, अब ये फ्यूचर को बाय करने का क्या होता है, तो मैं ऑलरेडी आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर वाली वीडियोज बना रखा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको देखना होगा फ्यूचर वाला चार्ट। ठीक है, फ्यूचर वाला चार्ट का क्या होता है कॉन्सेप्ट, अगर मान लो बुलिश है तो आपको फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि भविष्य में कितना ये स्पॉट प्राइस जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है फ्यूचर के चार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर मार्केट बुलिश है तो फिर इसमें क्या होता है कि प्लस जो आपका स्पॉट चार्ट है, इसमें एक सॉफ्टवेयर, एक कैलकुलेशन के हिसाब से प्लस कर दिया जाता है कुछ पॉइंट्स को, कुछ प्राइस को। ठीक है, और उसको फ्यूचर का चार्ट बना दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट बेरिश है, तो बेरिश में क्या होता है कि जो आपका स्पॉट चार्ट है ना, स्पॉट का चार्ट, उसमें डिस्काउंट कर दिया जाता है, उसमें कुछ डिस्काउंट करके जो आपका, जैसे अगर बेरिश है तो 20,160 निफ्टी, तो यहाँ पे फ्यूचर 20,220 के आसपास होगा, 40-50 पॉइंट ज़्यादा होगा फ्यूचर दिखाएगा। लेकिन अगर यही बेरिश होता तो अगर 20,000 मान लो 160 के आसपास होता, ये बेरिश कब होता, जब 20,000 मान लो कि 500 पे घट के 20,160 के आसपास रहता, घट के नीचे आता, यानी बेरिश मूवमेंट में नीचे आता, तो वहाँ पे आप देखोगे कि फ्यूचर का जो चार्ट है ना, निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट, अभी जैसे बुलिश में 20,160 पर अगर स्पॉट है तो 20,200 पे है, लेकिन अगर वही बेरिश होकर ऊपर से नीचे आके 20,160 पे निफ्टी का पॉइंट रहता, स्पॉट चार्ट रहता, स्पॉट प्राइस रहता, तो वहाँ पे आपको फ्यूचर का प्राइस डिस्काउंट में मिलता और वहाँ से क्या होता आपको देखने को मिलता, 20,000 लगभग 100 के आसपास। जैसे कि अभी बुलिश है तो लगभग 50-60 पॉइंट आपको फ्यूचर
आगे का दिखा रहा है, ठीक है, बुलिश मार्केट में। लेकिन अगर बेरिश मार्केट है तो बेरिश मार्केट में आपको फ्यूचर वाला चार्ट जो है आपको फ्यूचर दिखाएगा बेरिश वाला, यानी कि नीचे का, ठीक है। तो यहां से आप ना एक थोड़ा बहुत कॉज ले सकते हैं फ्यूचर के चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को एक बार मार्क करके। मान लो कि अगर आपको फ्यूचर के चार्ट पर, जैसे मान लो कि अभी बुलिश है ना, तो 20,160 है स्पॉट निफ्टी में, लेकिन फ्यूचर में 20,220 है। तो अब 20,220 के ऊपर जाके, फ्यूचर के चार्ट के ऊपर जाके आपको क्या करोगे, आप मान लो कि सपोर्ट अगर ढूंढ रहे हो, आप रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे हो या ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये तीनों चीज़ अगर आप फ्यूचर के चार्ट पर एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको फ्यूचर के चार्ट पर दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन अगर स्पॉट के चार्ट पर आपको कोई ऐसा ट्रेंड लाइन, ऐसा ब्रेकआउट या ऐसा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको एक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना, वो अक्सर फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर का मतलब निफ्टी का ही फ्यूचर खरीद लेंगे, इंडेक्स के फ्यूचर्स के, बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर को खरीदते हैं, सेल करते हैं ना। तो वो अधिकतर जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो फ्यूचर पे ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर फ्यूचर में हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें स्पॉट के चार्ट पर अगर नहीं भी मिले ना, तो भी हम वहाँ से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फ्यूचर के चार्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर फ्यूचर पर ट्रेड कर रहे हैं, और फ्यूचर का जो चार्ट है ना, वो हमें अगर बुलिश इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा स्पॉट का चार्ट भी बुलिश जाएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। आई होप आपको फ्यूचर एंड स्पॉट के चार्ट का मतलब समझ में आया होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, कॉल और पुट, ठीक है, ट्रेड करते हैं, तो आप फ्यूचर के चार्ट को भी ऑब्जर्वेशन करिए, सीखिए उसको। फ्यूचर के चार्ट के ऊपर भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को आप निकालना सीखिएगा ना, तो स्पॉट के चार्ट को रीड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।